नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि साथियों इस वीडियो में हम आपके लिए कराने वाले हैं MA पॉलिटिकल साइंस का, जिसका साथी पेपर कोड है 472। 472 साथियों पेपर कोड है, और साथियों बुक का नाम है आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन। क्या? आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, यानी मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसमें साथियों हमने 3 यूनिट इससे पहले करा दिए हैं। यदि साथियों आपने वो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। और साथियों एक जानकारी और दे दें आपको, हमने साथियों 2022 में फाइनल रिवीजन के नाम से एक क्लास करी थी, जिसमें साथियों एक ही वीडियो में पूरा मॉडल पेपर कवर है। तो साथियों आपको वो वीडियो भी अवश्य देखनी चाहिए, तो आप हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको फाइनल रिवीजन के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए साथियों बिना रुके वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए कराने वाले हैं क्या, इस वीडियो में हम साथियों हम आपके लिए कराने वाले हैं 4th यूनिट समाजवादी। अगला जो हमारा टॉपिक है क्या है, समाजवादी सोशलिस्ट। तो चलिए साथियों इसका फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे क्या, कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन दो, जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक गुरु कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 3, कांग्रेस के अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य निर्धारित किया गया? क्वेश्चन है कि कांग्रेस के अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। तो तीसरे का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? तो इसका आंसर ऑप्शन सी सन 1942 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। क्वेश्चन नंबर 5, पिता के पुत्र साथी क्या, कि पिता के पत्र पुत्री के नाम, यानी पिता के पत्र पुत्री के नाम के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। क्या है कि पिता के पत्र, जो पिता के पत्र हैं वो पुत्री के नाम है, तो साथी उसका जो लेखक है वो है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किस विचारक ने पंचशील सिद्धांत दिया? तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील सिद्धांत दिया। तो छठे का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के काल में गुट निरपेक्ष आंदोलन आरंभ हुआ? तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू के आंदोलन प्रारंभ, कौन सा गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रारंभ जो हुआ था साथियों, जो जवाहरलाल नेहरू के काल में हुआ था, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे इनके काल में गुट निरपेक्ष आंदोलन आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं की गई? साथियों इसको आपको विशेष ध्यान रखना है, जो जिस क्वेश्चन में नहीं आ जाए तो उस पर आपको सबसे पहले अंडरलाइन कर लेनी है, ताकि साथियों हमारा क्वेश्चन सही होने की संभावना हो जाए, क्योंकि साथियों एग्जाम टाइम पे जब हम एग्जाम कर रहे होते हैं तो हमारे पास टाइम कम होता है और साथियों क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो साथियों हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि यह कहीं भी क्वेश्चन में नहीं पूछता है तो आप उस पर अंडरलाइन कर लें, ठीक है साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सांप्रदायिक एकता। क्या? सांप्रदायिक एकता इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 1936 सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू 1936 के सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 10, नेहरू जी का सबसे बड़ा योगदान है? क्वेश्चन 10 कि नेहरू जी का सबसे बड़ा योगदान है, इसका आंसर ऑप्शन ए गुट निरपेक्षता की नीति। क्या? गुट निरपेक्षता की नीति नेहरू जी का सबसे बड़ा योगदान है। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक, यानी किसने लिखी,
डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नेहरू द्वारा किस देश के साथ पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया? क्या कि नेहरू द्वारा किस देश के साथ पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया? तो इसका आंसर साथी ऑप्शन बी, चीन के द्वारा। 12 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन। क्वेश्चन नंबर 13, नेहरू द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति का समर्थन किन देशों को ध्यान में रखकर किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, नवस्वतंत्र देश। किसको? नवस्वतंत्र देश को ध्यान में रखकर गुट निरपेक्षता नीति का समर्थन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, किस भारतीय नेता को चमत्कारिक नेतृत्व का दर्जा प्राप्त था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू को। क्वेश्चन नंबर 15, नेहरू के द्वारा किस सिद्धांत का समर्थन किया गया? तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन ए, लोकतांत्रिक समाजवाद का समर्थन किया गया। किसके द्वारा? नेहरू के द्वारा। तो 15 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से अनमेल को बताइए, यानी जो मेल नहीं खाता। तो इसका आंसर है नेहरू बॉस, ठीक है, ये मेल नहीं खाता। क्वेश्चन नंबर 17, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत अंतरिम सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत अंतरिम सरकार गठित की गई। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील सिद्धांत नहीं है? तो इसका आंसर साथ ऑप्शन सी, धर्मनिरपेक्षवाद, ये पंचशील सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1929 लाहौर अधिवेशन में। किसमें? 1929 लाहौर में। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष थे? इसका आंसर ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 21, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के शोध प्रबंध का विषय था? इसका आंसर ऑप्शन सी, नमक और सत्याग्रह। क्या था? नमक और सत्याग्रह। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के शोध प्रबंधन का जो विषय था वो था नमक और सत्याग्रह। तो 21 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, लोहिया किस समाचार पत्र के संपादक थे? क्या कि लोहिया किस समाचार पत्र के संपादक थे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, कांग्रेस सोशलिस्ट के संपादक थे। कौन? लोहिया। क्वेश्चन नंबर 23, लोहिया ने किस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया? क्या कि लोहिया ने किस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, देश बचाओ। क्वेश्चन नंबर 24, डॉक्टर लोहिया प्रथम बार लोकसभा के लिए कब निर्वाचित हुए? क्या कि डॉक्टर लोहिया प्रथम बार लोकसभा के लिए कब निर्वाचित हुए? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, 1963 में डॉक्टर लोहिया प्रथम बार लोकसभा के लिए निर्वाचित किए गए। क्वेश्चन नंबर 25, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा किसने बुलंद किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा बुलंद किया था। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक R.M. लोहिया यानी राम मनोहर लोहिया ने लिखी? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ये सभी, द कास्ट सिस्टम, फॉरेन पॉलिसी, फ्रेगमेंट्स ऑफ वर्ल्ड माइंड। क्या? फ्रेगमेंट्स ऑफ वर्ल्ड माइंड। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे हम इसकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। क्योंकि साथियों हमारा रिकॉर्ड रहा है साथियों, हम फर्स्ट यूनिट से लेकर 6 यूनिट तक पेपर होने से पहले हम अपलोड कर देते हैं। और साथियों जब आप परीक्षा हॉल में बैठते हो तो हमारे पेपरों जो साथियों हमारे मॉडल के द्वारा जो वीडियो बनाई जाती हैं उसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों आप हमें कमेंट करके बताएं जब इसका पेपर देखा है तो आपका पेपर किस तरीके का है, हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन कितने आए। तो चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, आदर्श समता को लागू करने पर बल दिया। क्या? आदर्श समता को लागू करने पर बल दिया। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, लोहिया ने।
लोहिया ने आर्य समता को लागू करने पर बल दिया। क्वेश्चन नंबर 28, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के राजनीतिक चिंतन में किस योजना का प्रमुख स्थान है? क्या डॉक्टर लोहिया के राजनीतिक चिंतन में किस योजना का प्रमुख स्थान है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, चौखंबा योजना। कौन सी? चौखंबा योजना का प्रमुख स्थान है। क्वेश्चन नंबर 29, राम मनोहर लोहिया के अनुसार नवीन समाजवाद से तात्पर्य था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, विश्वव्यापी समाजवाद। क्या? विश्वव्यापी समाजवाद से तात्पर्य था। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन एक समाजवादी विचारक नहीं है? क्या कि निम्नलिखित में से कौन एक समाजवादी विचारक नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, अंबेडकर। कौन? अंबेडकर समाजवादी विचारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, हिंदुस्तान एवं पाकिस्तान के महासंघ का विचार किसने दिया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, राम मनोहर लोहिया ने हिंदुस्तान एवं पाकिस्तान के महासंघ का विचार दिया। क्वेश्चन नंबर 32, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुसार समाजवाद लाने के लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, निरंतर चिंतन और कर्म। क्या? निरंतर चिंतन और कर्म। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राम मनोहर लोहिया द्वारा नहीं लिखी गई? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, द अनटचेबल। क्या? द अनटचेबल पुस्तक राम मनोहर लोहिया द्वारा नहीं लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 34, राम मनोहर लोहिया के अनुसार एशियन समाजवाद का मुख्य उद्देश्य था? क्या कि राम मनोहर लोहिया के अनुसार एशियन समाजवाद का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। प्रशासन का प्रजातांत्रिकरण, संपत्ति का समाजीकरण, आर्थिक और राजनीतिक समानता, ये इनका एशियन समाजवाद का मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 35, राम मनोहर लोहिया की नज़र में समाजवाद का आधार था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, साम्यवाद। 35 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, साम्यवाद। क्वेश्चन नंबर 36, राम मनोहर लोहिया ने गरीबी निवारण के लिए कौन से सुझाव नहीं दिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भ्रष्टाचार निरोध। क्या? भ्रष्टाचार निरोध। क्वेश्चन नंबर 37, राम मनोहर लोहिया निम्नलिखित में से किस दल के संस्थापकों में से एक थे? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। क्या? कांग्रेस समाजवादी पार्टी। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, लोहिया द्वारा निम्नलिखित में से कौन से संगठन की स्थापना की गई? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, हिंद किसान पंचायत। क्या? हिंद किसान पंचायत लोहिया द्वारा संगठन की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र में राम मनोहर लोहिया ने अवसत्याग्रह नामक लेख लिखा? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, हरिजन। क्वेश्चन नंबर 40, राम मनोहर लोहिया ने किस प्रकार की आज़ादी का समर्थन किया? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, इन सभी का, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता, इन सभी प्रकार की स्वतंत्रता को राम मनोहर लोहिया ने समर्थन किया था। क्वेश्चन नंबर 41, गलत गुट का चयन करें। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, दल विहीन लोकतंत्र, जवाहरलाल नेहरू। तो ये साथियों गलत स्टेटमेंट है, नहीं गलत ऑप्शन है। तो 41 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, यूरोप के समाजवादी चिंतकों द्वारा परिभाषित समाज को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे? क्या? रूढ़ समाजवाद कहते थे। 43, गैर कांग्रेस का नारा सर्वप्रथम किसने दिया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, राम मनोहर लोहिया ने। किसने? राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेस का नारा सर्वप्रथम दिया था। क्वेश्चन नंबर 44, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुसार समाजवाद किसके बिना अधूरा था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, प्रजातंत्र के बिना अधूरा था। 45, नेहरू द्वारा पंचशील के मौलिक सिद्धांत किस वर्ष दिए गए थे? नेहरू द्वारा पंचशील के मौलिक सिद्धांत किस वर्ष दिए गए थे? इसका आंसर ऑप्शन सी, 1954 में दिए थे।
तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 46 समान दूरी का सिद्धांत किसने दिया? राम मनोहर लोहिया ने समान दूरी का सिद्धांत दिया, तो इसका आंसर साथी ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया। 47 भारत में समाजवादी आंदोलन के जनक कौन थे? भारत में समाजवादी आंदोलन के जनक कौन थे? इसका आंसर साथी ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया भारत में समाजवादी आंदोलन के जनक थे। 48 लोहिया ने निम्नलिखित में कौन से आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया? तो इसका आंसर साथी ऑप्शन डी क्या गरीब हटाओ आंदोलन का जो राम मनोहर लोहिया थे उन्होंने समर्थन नहीं किया या नेतृत्व नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 49 राम मनोहर लोहिया ने जिस CSP की सदस्यता ग्रहण की उसका पूरा नाम क्या था? इसका आंसर है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। क्या? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। क्या था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी उसका नाम ये था, यानी CSP के फुल फॉर्म में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। क्वेश्चन नंबर 50 कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया? राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा दिया था। 51 राम मनोहर लोहिया का नव समाजवाद क्या था? विश्वव्यापी समाजवाद। क्या? विश्वव्यापी समाजवाद था। 51 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 52 राम मनोहर लोहिया ने सांसद का चुनाव किसके विरुद्ध लड़ा था? तो इसका आंसर साथ ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध राम मनोहर लोहिया ने संसद का चुनाव लड़ा था। किसका? सांसद का चुनाव लड़ा था। 53 राम मनोहर लोहिया का द्वंद्वात्मक सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी ए व बी दोनों। कौन से थे? आध्यात्मिक द्वंद्ववाद और भौतिकवाद द्वंद्ववाद। ये 43 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। 54 डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि किस शीर्षक पर प्राप्त की? तो इसका आंसर ऑप्शन डी इकोनॉमिक्स ऑफ साल्ट सत्याग्रह। क्या? इकोनॉमिक्स ऑफ साल्ट सत्याग्रह इसका आंसर है। 54 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 55 ग्लिम्पसेज। क्या? ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व इतिहास की झलक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। 56 नेहरू द्वारा वर्णित लोकतांत्रिक नीतियों के चार स्तंभ कौन से थे? इसका आंसर ऑप्शन सी लोकतंत्र समाजवाद एकता धर्मनिरपेक्षता। ये इनके चार स्तंभ थे। किसके? नेहरू द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर ऑप्शन सी। 57 किसने कहा है धर्म दीर्घकालीन राजनीति और राजनीति अल्पकालीन धर्म है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया ने यह कहा है। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन बी हो जाएगा साथ ही राइट आंसर। 58 शीत युद्ध के दौरान नेहरू द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई? शीत युद्ध के दौरान नेहरू द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई? तो इसका आंसर ऑप्शन बी गुटनिरपेक्षता नीति अपनाई गई। 59 1928 में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की? क्या? 1928 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने की। तो 59 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 हरिजन समाचार पत्र में अब सत्याग्रह नामक लेख लिखने के लिए किसे गिरफ्तार किया गया? तो साथ ही इसका आंसर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू को। 60 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 61 निम्नलिखित में से क्या नेहरू के राजनीतिक दर्शन का महत्वपूर्ण भाग नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन सी धर्म। धर्म नेहरू के राजनीतिक दर्शन का महत्वपूर्ण भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित में से क्या लोहिया के चौखंबा राज्य का स्तंभ नहीं है? कलेक्टर। कलेक्टर 62 का राइट आंसर ऑप्शन डी। 63 गुट निरपेक्षता और पंचशील सिद्धांत का संबंध किससे है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू से है। किसका? गुट निरपेक्षता और पंचशील सिद्धांत का संबंध जवाहरलाल नेहरू से है। क्वेश्चन नंबर 64
भारत में जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर बाल दिवस के रूप में भारत में जवाहरलाल नेहरू का जन्म मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, 1938 में नेशनल हेराल्ड क्या 1938 में नेशनल हेराल्ड दैनिक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड दैनिक समाचार पत्र प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 66, जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के लिए योजनागत विकास का मॉडल किस देश से लिया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, सोवियत रूस, किसे यूएसएसआर, सोवियत रूस। क्वेश्चन नंबर 67, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। तो 67 का राइट आंसर है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। 68, विश्व संसद के समर्थक कौन है? राम मनोहर लोहिया विश्व संसद के समर्थक हैं। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित या नेहरू की राजनीतिक विचारधारा का मुख्य आधार है? नेहरू की राजनीतिक विचारधारा का मुख्य आधार है क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ये सभी, लोक कल्याणकारी राज्य, सामाजिक परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीयतावाद। तो साथियों इसका आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे ही हम इसकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए साथियों यहीं तक, धन्यवाद।